अब ऑफिशियली आप सबका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। नमस्ते और नमस्ते। अंग्रेजों के 2022 नववर्ष का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपना नववर्ष इससे भी जोर शोर से मनाएंगे, इससे भी ज्यादा जोर शोर से मनाएंगे, जी ठीक है। पर अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है तो इसको भी हम मना तो करके हमारे को कोई लाभ तो होना नहीं है, क्योंकि हमारे को जो सामने है वो दिख रहा है, वो तो है ही है। यहाँ पर मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ, जैसे कि हमारे सुशांत हो गए, तन्नू जी हो गई। ये वो स्टूडेंट हैं जिनके लिए मेरे को गर्व है कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम अभी और आ जाएंगे। अभी मोटियानी जी आ जाएंगे, दर्शिका जी ने आना नहीं आज, उन्होंने मैसेज दिया था कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और क्या कहते हैं, संगीता जी भी मुश्किल है। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, दे आर एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट, और आज एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के तौर पे एस्टेब्लिश्ड है। बढ़िया पैसे भी अच्छे भगवान की कृपा से कमा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मैं कामयाब नहीं, मेरी सारी टीम कामयाब हो, ये मेरी कोशिश रहती है। और ये खुशी की बात है कि ये सारे अच्छे, मतलब बढ़िया तरीके से, सिर्फ कमा नहीं रहे, पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स सभी हैं, और कुछ गेस्ट हैं जो मेरे पर्सनल परिचित मित्र और अच्छे प्रेम संबंध वाले भाई बहन जैसे संबंध है कुछ लोगों के साथ, वो हैं। आज आप देखेंगे कि अभी हमारा हाफ कोर्स के करीब हुआ है, अभी हाफ भी सही से कहें तो नहीं हुआ। ये स्टूडेंट कैसे विषयों को समझते हैं और उन विषयों पे कितने अधिकार से, सब्जेक्ट पे कमांड के हिसाब से वो बात कर पा रहे हैं, वो आज आप देखेंगे। और ये समझ में आएगा कि इनमें से कैसे, कहाँ से ये लोग ज्योतिष के साथ जुड़े, क्या इन्होंने सीखा, और आज ये प्रिडिक्शन के पार्ट पे हैं तो ये कैसे हैं। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ विक्रम जी से। ये अपना परिचय खुद देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि कैसे, कहाँ से आए, क्या करते हैं, क्या इनका व्यवसाय है। हाँ जी विक्रम जी। जी सर, नमस्ते सभी को। मैं विक्रम महेंद्र, मैं फिनलैंड में आजकल स्थायी हूँ और वहाँ पे आईटी में जॉब करता हूँ। और मैंने करीब 2 साल पहले ज्योतिष पढ़ना शुरू किया है। ज्योतिष में इंटरेस्ट आया है बेसिकली कोरोना की वजह से, क्योंकि मैं बहुत आउटडोर एक्टिविटी करता था और आपको पता है कि कोरोना में आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो आई स्टार्टेड लर्निंग ज्योतिष, एंड आई गॉट इंटरेस्टेड इन ज्योतिष एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इट। मैंने पहले उत्तरा जी से बेसिक्स सीखा है और फिर अभी दीपक सर के साथ नाड़ी ज्योतिष सीख रहा हूँ। तो आप आईटी बैकग्राउंड से हैं काफ़ी, मैं तो पर्सनली आपसे कई बार, हमारी तो क्लास में आप रहते ही हैं तो बातचीत होती रहती है, तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि आप बहुत इंटेलिजेंट, हाईली शार्पली चीज़ों को पकड़ने वाले, और आपकी बहुत अच्छी मेमोरी भी है। तो आपने जब ज्योतिष सीखना शुरू किया था, तब से अब तक के बीच में आपको क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चेंज आया है आपके अंदर, ऑनेस्ट जो आपको। सर, अभी जैसे मैंने आपको भी बताया है कि फिनलैंड में एज सच ज्योतिष कोई डे टू डे एक्टिविटी है नहीं, मैं सीख रहा हूँ। पर देन अभी तक जितने भी, जैसे किसी ने पूछा है इन पर्टिकुलर प्रेडिक्शन देने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो परमेश्वर कृपा से अच्छी प्रेडिक्शन आई है। मतलब लोग, एक हमारे जो परिचित है उन्होंने पूछा था कि हमारी जॉब कब लगेगी, तो हमने उनको कहा था कि भाई तब लग जाएगी, तो उनको तब जॉब लग गई थी। और अभी जैसे मैंने बीच में एक चार्ट शेयर किया था, तो उस जातिका के लिए भी जो मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे उसकी नेचर और सब होनी चाहिए, तो वो वैसी नेचर निकली है। तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि या मे बी 50% एक्यूरेसी है, 50% एक्यूरेसी बनेगी आगे पढ़ के। तो चलो आज फिर पहली कुंडली आपसे ही शुरू करते हैं। बर्थ डिटेल दीजिए, कौन सी आपकी बर्थ डिटेल आपको दी गई थी कल। जी सर, मैं बताता हूँ। तो बर्थ डेट है
11 अक्टूबर 1987। किसने दी थी ये बर्थ डिटेल? ये सुनीता जी ने दी थी। अच्छा ठीक है। हाँ जी सुनीता जी, फाइनली आपने रिजल्ट डिक्लेयर करना है इनका जी, टाइम ऑफ बर्थ? जी सर 1445, जेंडर मेल है सर, एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रयागराज। तो जातक जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होगा और नेचर उसका ड्राई होगा। फिर जैसे हम देखें यहाँ पर तो लग्नेश की लग्न पे दृष्टि है, तो लग्न पोषित होगा, मतलब जातक का फिजिक और सब अच्छा रहना चाहिए, ऊंचाई ठीक ठाक रहनी चाहिए। जातक करियर ओरिएंटेड होगा, मटेरियल सक्सेस के पीछे भागेगा, उसके साथ हार्डवर्किंग भी होगा और कंजर्वेटिव ख्यालात होंगे उसके, और अपने जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज है उसमें बिलीव करता होगा। ऑल्सो जातक को सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में सक्सेस मिलने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। फिर जातक हमेशा इस चीज में लगा रहेगा कि इसमें मेरा क्या। उसके बाद अगर हम देखें तो जातक धार्मिक एस्पेक्ट्स में भी सोचेगा कि धर्म को हम कैसे हमारे लिए सही कर सकें, और किसी को ये कहने के लिए कि भाई आप ऐसा कीजिए, वो खुद धार्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा। उनके मित्र भी ओल्डर एज के ज्यादा होंगे, वो हार्डवर्किंग रहेगा और सोशल सर्विस में भी वो हो सकता है। फिर आगे अगर हम देखें तो जातक इनिशिएटिव लेने वाला होगा, ट्रैवल उनको पसंद होगी, कंटिन्यूअस चेंज के लिए वो रेडी रहेगा और अच्छा लीडर भी होगा जातक। इनिशियल लाइफ में उनको थोड़ी बहुत बीमारियां या जो हम कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से भी शायद गुजरना पड़ा होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जातक की फैमिली में काफी उनके कल्चर के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, उनके सोर्सेस ऑफ इनकम फॉरेन लैंड्स या फॉरेन ट्रेड से आ सकते हैं। नेचर थोड़ा क्रिटिक, इवन जातक का नेचर भी बहुत क्रिटिकल होगा, हर चीज में बहुत ही क्रिटिकल इनपुट्स या फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ भी जाए उतना क्रिटिकल नेचर होगा उनका। फिर आगे देखते हैं सर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जातक की फैमिली में हिस्टोरिकली डायबिटीज चला आ रहा है। जातक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और वो बड़े से अपार्टमेंट या घर में रह सकता है। फिर जातक और जातक की माता दोनों ही एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल पे खर्चा करते होंगे, और वो अपने बच्चों के लिए भी उनके एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और ट्रैवल पे खर्चा करने वाले होंगे, और जातक और उनकी माता दोनों धार्मिक होंगे। जातक को अपने मन पे काफी कंट्रोल होगा और वो काफी सीक्रेट्स भी रखेगा, उनकी माता भी काफी सीक्रेट्स रख सकती है अपने पास या अपने मन में, और जातक जो है अपनी माता को फॉलो करेगा। उनकी माता को जॉइंट्स या एसिडिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। आगे देखें तो ये बता सकते हैं सर के जातक के लिए ज्योतिष या लॉ या ऐसी चीजों में एंगेज होना, मतलब इफ नॉट एज अ प्रोफेशन स्टिल गेटिंग एंगेज्ड वुड डू गुड फॉर द जातक। फिर उनके जो मैटर्नल साइड रहेगी, मतलब उनके जो मदर साइड की फैमिली रहेगी, उनका एक लर्निंग माइंडसेट हो सकता है और वो भी सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे। फिर अगर हम देखें तो जातक के जो पिता है वो इंटेलिजेंट होंगे, फूड या हीलिंग के प्रोफेशन में होंगे और मैथमेटिक्स में भी अच्छे होने चाहिए, और उनके फादर जो है वो अपने फादर मतलब जातक के ग्रैंड फादर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। अगर वो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या इवन अदरवाइज उनको एकोलेट्स, हिंदी शब्द मुझे पता नहीं है, मिलने की परिस्थितियां हो सकती। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जातक के जन्म के बाद उनके फादर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई होगी,
और जो उनके फादर हैं वो काफी हॉट हेडेड और बहुत ही डायरेक्ट बात करने वाले होंगे, जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए या हर्ट हो जाए। फिर जातक की पत्नी और जातक दोनों हम कह सकते हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस फाइनेंस से पैसा कमा सकते हैं, और जातक जो है वो अतिशय भाग्यवान होगा। जातक प्रोफेशन के बारे में अगर देखें तो उनके अगर इंटरेस्ट होंगे तो वो मेडिसिन के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। फिर आगे देखें तो जो जातक हैं उनके जो बड़े भाई अगर हैं या ताऊजी हैं वो भी काफी सीक्रेटिव होंगे, और जातक खुद के प्रोफेशन के बारे में भी काफी सीक्रेटिव रहेंगे। उनका प्रोफेशन ये भी हो सकता है कि वो सोशल सर्विस या क्लब्स या उसमें भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो जातक के बड़े भाई या ताऊजी हैं वो जातक के जो फिजिकल प्लेन में परस्यूट्स हैं उसमें हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। जातक के पिताजी और उनके मैटरनल साइड और ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो हमेशा इनके बड़े भाई और जो ताऊजी हैं उनके लिए सपोर्ट में रहेंगे। फिर आगे देखें तो इनकी मदर भी हॉट हेडेड हो सकती हैं, फादर तो हमने ऑलरेडी बताया कि हॉट हेडेड हो सकते हैं, और माताजी जो है वो हमेशा फादर को फॉलो करेंगी। जातक की वाइफ लर्नेड होगी, मल्टीपल प्रोफेशंस में भी काम कर सकती हैं, फाइनेंस रिलेटेड बेसिकली। और जातक की जो छोटी बहन है वो भी इसी प्रकार के व्यवसाय में हो सकती हैं, और उनको हमेशा किसी विद्वान और नोबल पर्सन की गाइडेंस रहेगी जो उन्हें धर्म में रखेंगी कि अधर्म से दूर रखेंगी, हमें ऐसा कह सकते हैं। फिर और आगे देखें तो जातक जो है उनको कर्म के लिए विदेशियों से या एमएनसीज में भी जॉब हो सकती है, और उनकी जो मैरिड लाइफ है उनमें उनके फादर की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं वाइफ और जातक के बीच में। तो सर इतना मैंने अभी तक इस हॉरोस्कोप को रीड करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इसमें कुछ चीजें मैं जोड़ूंगा, पर पहले मैं सुनीता जी से थोड़ा सा चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इस बारे में बात करें। हाँ जी सुनीता जी प्लीज। विक्रम जी ने बहुत बातें जातक का नेचर और क्या कहते हैं उसकी पर्सनालिटी काफी कुछ सही बताई है, और मदर फादर के बारे में भी काफी कुछ सही है, और वाइफ का भी ठीक ही है, बस ये जो डायबिटीज बताई वो नहीं है फैमिली में। नहीं हो, ऐसा होता है सुनीता जी, जेनेटिक का मतलब होता है दो जनरेशन तीन जनरेशन पहले तक भी हो सकता है। आप उनके दादके में भी जो उनके भाई वो होंगे दादा के भाई वगैरह किसी के हो सकता है? नहीं ना, तो नहीं ना मदर साइड किसी को है और ना ही फादर साइड है अभी तो। चलिए बस दो ही जनरेशन तक जानती हूँ, उससे ज्यादा नहीं पता। हाँ, दूसरी चीज ये होती है, दूसरी ये होती है ये जोन में पैदा होना होता है, मतलब आप इस जोन में है कि आपकी जनरेशन में कभी कोई था पहले, आपको हो सकता है अगर आप क्या चूक करेंगे, चूक होती है कि जैसे कि कोई सिडेंटरी लाइफस्टाइल जिए या स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, तो तब हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे इस कुंडली में डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो मदर रहती ही है, ठीक है, एक तो है। दूसरा मदर का जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने की भी संभावना पूरी पूरी है उस कुंडली में, और जातक हाईली एजुकेटेड होगा, मल्टीपल डिग्रीज होनी चाहिए उसके पास, और बढ़िया वाइफ भी बहुत एजुकेटेड होनी चाहिए। फादर ज्यादा गुस्से वाले होंगे, अचानक कोई भी जोर से गुस्सा करना, सामान पटकने वाली स्थिति भी होगी जोरदार। सामान तो नहीं पटकते लेकिन वो मतलब गुस्सा करते हैं, अच्छा एक्सट्रीम गुस्सा ना। हाँ एक्सट्रीम एक है, मतलब वो जिद्दी ज्यादा है। हाँ। बस जो कह दिया वो कह दिया, और मतलब माइन्यूट हर छोटी छोटी चीज पे जानने की उनको हाँ। बहुत बारीकियों में बात करने की बात होगी ज्यादातर। तो ये कई चीजें थी जो और इसमें हम कह सकते थे, और इसमें बहुत सिस्टमेटिक इन्होंने बहुत अच्छा सा बताया, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया होंगे कोई भी चीज के बारे में। जातक स्वयं बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज होगा, फैमिली में भी सभी जने जो हैं
बढ़िया रिश्तेदारी में भी सब अच्छे होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, बढ़िया होंगे, आर्थिक स्थिति सभी की बहुत अच्छी होनी चाहिए परिवार के अंदर, रिश्तेदारों में भी सबकी अच्छी होनी चाहिए। और स्वयं जो है जातक काफी माइन्यूट चीजों पे जानने वाला और घुसने वाला व्यक्ति होगा इसमें। सही है। बाकी इन्होंने नेचर इतना जो भी बताया बहुत बिल्कुल अपेरेटी है। चलिए सभी की तरफ से एक बार ताली तो बनती है विक्रम जी के लिए। डिजर्व करते हैं भाई, कोई भी काम अच्छा करे उसको अप्रिशिएट दिल से कर लेना चाहिए बहुत।